हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर टू फोर सेवन आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूपी जूनियर एडेड से रिलेटेड होंगे इसमें हमने इंग्लिश लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों के क्वेश्चंस को रखे हैं स्टार्टिंग में फोर्टी फाइव क्वेश्चन लिटरेचर के होंगे और लास्ट वाले क्वेश्चन जो हैं वो ग्रामर के होंगे ये हमारी सिक्स वीडियो है इससे पहले हमने फाइव वीडियोज़ को डिस्कस किया है यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन द दकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स अपियर आपको बताना है कि लिरिकल बैलेट्स का सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट है सिक्सटीन नाइनटी सेकेंड है 1798, थर्ड है 1898, फोर्थ है 1800। करेक्ट आंसर इसका है फोर्थ एट्टीन 1800 में लिरिकल बैलेट्स का सेकंड एडिशन आता है जबकि इसका जो फर्स्ट एडिशन होता है वो पब्लिश होता है 1798 में नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड। टू होम इज़ वर्षवस्त ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रोलूड एड्रेस्ड वर्सवत की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसका नाम है द प्रोलूड इसे किसे संबोधित किया गया था फर्स्ट है जेन ऑस्टन सेकेंड है कॉलरिच थर्ड है पोप फोर्थ है डॉक्टर जॉनसन करेक्ट आंसर इज सेकेंड कोलरिच नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड इन थ्री ईयर्स ग्रू द लिटल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज ये जो पोएम है वर्षवत की जिसका नाम है थ्री ईयर्स ग्रू इसको इस पोएम को नेचर का एजुकेशन भी कहा जाता है और ये जो पोएम है इसमें एक लाइन आती है स्पोर्टिव यानी गर्ल के लिए स्पोर्टिव का प्रयोग किया गया है आपको बताना है कि किससे कंपैरिजन करते हुए ये स्पोर्टिव का प्रयोग करते हैं फर्स्ट है, है लॉन सेकंड है फोन थर्ड है स्टार्स फोर्थ है रिवोलट्स करेक्ट आंसर इसका होता है सेकेंड फोन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्थ विन डिड किड्स डाय आपको बताना है कि जॉन किड्स की मृत्यु कब हुई थी फर्स्ट है सेवनटीन नाइन्टी फाइव सेकेंड है सेवनटीन एटी नाइन थर्ड है एट्टीन ट्वेंटी वन फोर्थ है सेवनटीन सेवेंटी सेवन करेक्ट आंसर इज थर्ड एटीन ट्वेंटी वन में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी पैदाइश हुई थी सेवनटीन नाइन्टी फाइव में नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ शेलेज अलास्टर इज ऑल्सो कॉल्ड पी वी शेले का अलास्टर है इसको और किस नाम से जाना जाता है मीन्स कि इसका सब टाइटल क्या है फर्स्ट है स्प्रिचुअल ऑफ सोलिट्यूड सेकेंड है क्वीन मैप थर्ड है स्टैंडर रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स और फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द स्परिट ऑफ सोलिट्यूड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिकन्स इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक वर्क है जो कि चार्ल्स डिकन के द्वारा नहीं लिखा गया था फर्स्ट है ग्रेट एक्सपेक्टेशन सेकंड है द ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप थर्ड है बार्नबी रज और फोर्थ है ओल्ड फार्चुनेट्स करेक्ट आंसर इसका फोर्थ होता है स्टार्टिंग की जो थ्री मैंशन किए गए ये सारे चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखे गए हैं लास्ट वाला ओल्ड फार्चुनेट्स है ये चार्ल्स डिकन के द्वारा नहीं लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन इज आर नावल्स बाय हार्डी इसमें से बताना है कि कौन सी नॉवल्स हैं जो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई थी फर्स्ट है द मेयर ऑफ ब्रिज सेकेंड है डे स्प्रेट रेमिडीज थर्ड है ज्यूड द ऑप्स की ओर फोर्थ है ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज़ फोर्थ ये सारी नॉवल्स थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई थी और थॉमस हार्डी की जो लास्ट नॉवल होती है ज्यूड द ऑप्स की ओर होती है इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और इसी नावल की वजह से थॉमस हार्डी नावल लिखना छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ वॉट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा आपको बताने कि हार्डी का एक एपिक ड्रामा है उसका टाइटल क्या है फर्स्ट है द डाइनेस्ट सेकेंड है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज थर्ड है फोर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द डायनेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा बाई टी ए सिलियट इसमें का कौन सा एक ड्रामा है जो कि टी ए सिलियट के द्वारा नहीं लिखा गया था फर्स्ट है आई जू लाइक इट सेकेंड है मर्डर इन द कैथेडल थर्ड है द फैमिली री यूनियन फोर्थ है द काकटेल पार्टी करेक्ट आंसर इज फर्स्ट आई जू लाइक इट टी ए सिलियट के द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि इसे लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा ये एक कॉमेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ वेन वॉज टी ए सिलियट्स बॉर्न आपको बताना है कि टी ए सिलट की पैदाइश कब हुई थी फर्स्ट है एट्टीन एटी एट सेकेंड हैंड नाइनटीन जीरो फाइव थर्ड हैंड नाइनटीन जीरो सिक्स फोर्थ हैंड नाइनटीन जीरो सेवन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एटीन एट्टी एट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलेवेंथ वन ऑफ़ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच शीज़ ये कहना चाहते हैं शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है जिसे फोर्थ विच के नाम से जानते हैं चौथी चुड़ैल के नाम से वो कौन सा कैरेक्टर है फर्स्ट है ओफीलिया सेकंड है लेडी मैकबेथ थर्ड है एमिलिया फोर्थ है जूलियट करेक्ट आंसर इज सेकंड लेडी मैकबेथ होती है जो कि मैकबेथ की वाइफ होती है और इसे सेकेंड फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्थ पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम फर्स्ट है अपोस्ट्रॉफी सेकंड है क्लाइमैक्स थर्ड है पन फोर्थ है पर्सनिफिकेशन अब याद रखेंगे जब भी यहाँ पर ओ वर्ड करके यूज करते हैं बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अपोस्ट्रॉफी होता है इसलिए सही आंसर फर्स्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टीनथ हु इज़ द आथर ऑफ टिंटन अबे टिंटन अबे का आथर कौन सा है फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड सेकेंड है जॉन कीड्स थर्ड है विलियम वर्सवर्थ फोर्थ है कॉलरिच करेक्ट आंसर इसका होता है थर्ड विलियम वर्सवर्थ ने लिखा है टिंटन एवे नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टीनथ माइकल हैंचर्ड बिगेन हिज लाइफ एज जैसा कि आप सभी को पता है थॉमस हार्डी की एक बहुत ही फेमस नॉवल है जिसका नाम है मेयर ऑफ द ब्रिज उसका जो हीरो होता है उसका नाम होता है माइकल हैंचर्ड और ये अपनी वाइफ को बेच देता है इस नावल में आपको बताना है कि इसका प्रोफेशन क्या होता है ये अपनी लाइफ की शुरुआत किस रूप में करता है फर्स्ट है ड्राइवर सेकेंड है कारपेंटर थर्ड है वीवर फोर्थ है हेट रसर करेक्ट आंसर इज फोर्थ हेट रसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टीन अर्नेस्ट हेमेंगवी वॉज अ नॉवेलिस्ट आपको बताना है कि अर्नेस्ट हेमेंगवी कहाँ के नॉवेलिस्ट थे फर्स्ट है एन अमेरिकन सेकेंड है ब्रिटिश थर्ड है कैनेडियन फोर्थ है साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटीन पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीफ हर लस्टरस आइज ये जो लाइन है ये जॉन किड्स की एक पोम है ओ टू अ नाइटिंगेल उसी से यह लाइन ली गई है फर्स्ट है पन सेकंड है पर्सनिफिकेशन थर्ड है सिमली फोर्थ है ऑक्सीमोरोन करेक्ट आंसर इज बी पर्सनिफिकेशन आप देख सकते हैं ब्यूटी के लिए यूज़ किया गया हर का प्रयोग किया गया है और ये नॉन लिविंग के लिए लिविंग क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है तो ये क्या है पोसोनीफिकेशन है यहाँ पर कहना चाहते हैं जहाँ पर जो खूबसूरत चीज़ होती है उनकी भी चमक उनकी भी आँखों की चमक गायब हो जाती है उनको भी खूबसूरती हमेशा बाकी नहीं रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवनटीन चूज़ द करेक्ट फिगर ऑफ़ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस इसमें करेक्ट फिगर ऑफ़ स्पीच बताना है द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट फर्स्ट है मेटाफर सेकेंड है सिमिली थर्ड है हाइपरबोल तो इसका सही आंसर होता है मेटाफर है फर्स्ट इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीन चूज़ द करेक्ट फिगर ऑफ़ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इसमें कौन सी फिगर ऑफ़ स्पीच का प्रयोग किया गया है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन आप देख सकते हैं एज का प्रयोग किया गया है और जब भी एज का प्रयोग किया जाता है या लाइक का प्रयोग किया जाता है कंपेरिजन के लिए तो ये फिगर ऑफ़ स्पीच सिमिली होती है डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नाइनटीन इंग्लिश मैगज़ीन वर वर पब्लिश द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ इलिया जैसा कि हमें पता है कि चार्ल्स लैम के एसेज का कलेक्शन है उसको हम एसेज ऑफ इलिया के नाम से जानते हैं ये सबसे पहले किस मैगजीन में पब्लिश हुआ था फर्स्ट है ब्रिटिश मैगज़ीन सेकेंड है स्विस मैगज़ीन थर्ड है अमेरिकन मैगजीन फोर्थ है लंडन मैगजीन करेक्ट आंसर इज़ फोर्थ लंडन मैगजीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर आपको बताना है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कब शुरू हुआ था फर्स्ट है 1789, सेकंड है 1798, थर्ड है एटीन एट्टी फोर्थ है 1785. करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्वेंटी फर्स्ट बाई होम शेले हैज़ बीन कॉल्ड अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड ये कहना चाहता है कि शेले को किसने कहा है एक परफेक्ट सिंगिंग गॉड ये किसने कहा है शेले को फर्स्ट है रोसेटी सेकंड है आर्नोल्ड थर्ड है स्विनबर्न फोर्थ है मोरिस करेक्ट आंसर इज थर्ड स्विनबर्न नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी टू हु रोड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम फॉर शैले के लिए ये लाइन जो है किसके द्वारा लिखी गई थी लाइन है ही इज अ ब्यूटिफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग दाइल्ड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन फर्स्ट है वॉल्टर पैटर थर्ड है डॉक्टर जॉनसन फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ट करेक्ट आंसर इज फोर्थ मैथ्यू आर्नोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी थ्री निश्म एजिकेल इज बॉर्न आपको बताना है कि निम एजेल कहाँ पर पैदा हुए ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं फर्स्ट है ब्रिटिश सेकेंड है अमेरिकन थर्ड है स्विस फोर्थ है ज्यू तो एक यहूदी फैमिली से बिलोंग करते हैं करेक्ट आंसर इज फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी फोर हुई दफ द एंटरप्राइजेस एंटरप्राइज का ऑथर कौन सा है फर्स्ट है कमला दास सेकेंड है एजिकेल थर्ड है रामानुजन फोर्थ है नन ऑफ देम करेक्ट आंसर इज सेकेंड एजेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी द थीम ऑफ अलाइनेशन इज सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ आपको बताना है कि जो अलाइनेशन की थीम है ये किसकी पोएट्री की सेंट्रल आइडिया होती है फर्स्ट है निसिम एजिकेल सेकंड है कमला दास थर्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट फोर्थ है वाल्ट बिटमन तो ये जो अलाइनेशन की बात करते हैं ये होती है थीम निसिम एजिकेल की पोइट्री की नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी सिक्स विच इज़ फोर्थ सेक्शन ऑफ टी एस एलियट्स द वेस्ट लैंड आपको बताना है कि टी एस एलियट का जो वेस्ट लैंड है उसका फोर्थ सेक्शन कौन सा है फर्स्ट है बैरियर ऑफ द डेड सेकंड है अ गेम ऑफ चेस थर्ड है द फायर सरमन यहाँ पे द फायर सरमन है द फायर सरमन और फोर्थ है डेथ बाय वाटर करेक्ट आंसर इज फोर्थ डेथ बाय वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी सेवन्थ वॉट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमला दास की एक ऑटोबायोग्राफी है किस टाइटल से लिखी गई है फर्स्ट है द समर इन कैलकटा सेकेंड है द डिसेंडेंट थर्ड है माई स्टोरी फोर्थ है नन ऑफ द अबक करेक्ट आंसर इसका थर्ड होता है माई स्टोरी जिसको मलयालम में लिखा गया था एते कथा के नाम से और इसे लिखा ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में कमला दास के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी एथ द प्ले हाउस द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज अ पोएम ऑफ आपको बताना है कि द ओल्ड प्ले हाउस है एक कमला दास के एक पोएम है किसके बारे में है फर्स्ट है सरेंडर टू मेल डोमिनेशन सेकेंड है प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन थर्ड है हारमोनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ फोर्थ है जेलसी करेक्ट आंसर इज सेकंड है ये प्रोटेस्ट है अगेंस्ट मेल डोमिनेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है लाइक अ पेशेंट एथराइज टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया गया है तो लाइक का प्रयोग किया गया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमली नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी विच ऑफ़ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय मुल्क रास आनंद कौन सी नॉवल है जो मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखी गई थी फर्स्ट है अनटचेबल सेकेंड है कुली थर्ड है टू लीव्स एंड अबर्ट फोर्थ है द सेकेंड वाइफ करेक्ट आंसर इज फोर्थ द सेकेंड वाइफ मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखी गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फर्स्ट हु है हुज़ द फादर ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड मैथ्यू के फादर का क्या नाम था फर्स्ट है एडमिन है थॉमस आर्नोल्ड थर्ड है ए एच क्लफ फोर्थ नन ऑफ दिम, करेक्ट आंसर इज सेकेंड थॉमस आर्नोल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी सेकेंड आरनोल्ड सेलिब्रेटेड पोएम द स्कॉलर जिप्सी इज बेस्ड ऑन अ ओल्ड लीजेंड मैथ्यू आर्नोल्ड की जो पोएम है स्कॉलर जिप्सी एक ओल्ड लीजेंड के लाइफ पर बेस्ड है जिसे ग्रांडविल ने डिस्क्राइब किया है अपनी किस बुक में फर्स्ट है द स्कूल मास्टर सेकेंड है पालमेरिन ऑफ इंग्लैंड थर्ड है द वेनिटी ऑफ डोगिंग फोर्थ है द शेफर्ड ऑफ सेलिस बेरी प्लेन करेक्ट आंसर थर्ड है द वेनिटी ऑफ डॉगमोटाइजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फॉलोइंग लाइन्स ये कौन सी पोएम है किड्स की जिसमें यह लाइन यूज की गई है हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बेट दो हर्ड आर स्वीटर देयर फॉर ये सॉफ्ट पाई प्ले ऑन कहता है कि वो म्यूजिक जिसको हम सुन सकते हैं बहुत ज़्यादा स्वीट होती है लेकिन ऐसी संगीत जिसको हम नहीं सुन सकते हैं वो और ज़्यादा स्वीट होती है और ज़्यादा मधुर होती है और कहते हैं कि म्यूजिशियन अ बासुरी बजाने वाले लोग तुम अपनी बाँसुरी को बजाते रहो जॉन किड्स की एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है ओडोना ग्रेसियन और उसी की लाइन है तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थर्टी फोर विच pseudonym वॉज एडोप्टेड बाई लैम फॉर his essay? ये कहना चाहते हैं कि चार्ल्स लेम ने कौन सा सीडोनिम या पेन नेम यूज़ किया था अपने एसेज को पब्लिश करने के लिए फर्स्ट है इलिया, सेकेंड है चार्ल्स थर्ड है लैम, फोर्थ है नन ऑफ दिज करेक्ट आंसर फर्स्ट है इलिया और इसी नाम से इन्होंने अपने एसेज को पब्लिश किया था एसेज ऑफ एलिया के नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टरल एलिजी कौन सा इसमें कहा है जो कि एक पास्टरल एलिजी नहीं है फर्स्ट है मिल्टन लिसिडस सेकंड है शेलेस एडोनाइस थर्ड है आर्नोल्ड्स था फोर्थ है पोप्स द रेप ऑफ द लॉक करेक्ट आंसर इज फोर्थ रेप ऑफ द लॉक नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी सिक्स इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच कौन सा करेक्टली मैच है ये सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं फर्स्ट है हाइपरबोल हाइपरबोल क्या होता है तो कहना चाहते हैं या फिगर ऑफ स्पीच इन विच इम्फेसिस इज अचीव बाई डिलीवरेड एग्जाज्रेशन यानी जो हाइपरबोल होता है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं बिल्कुल सही है नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन अ फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग जनरली ऑफ टू अपेरटली कंट्राडिक्टि टर्म्स दैट एक्सप्रेस स्टारलिंग पैराडॉक्स इसमें दो अपेरेंटली कंट्राडिक्टि टर्म्स होते हैं ये भी बिल्कुल सही है इसके बाद में थर्ड है मेटाफर मेटाफर में कह रहे हैं कि मेटाफर अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बाय आइडेंटिफिकेशन और बाय सिचुएशन ऑफ वन बाय अनदर ये भी सही है थर्ड वाला भी सही है फोर्थ है ऑल ऑफ थ्री ऑप्शन आर मैस्ड करेक्टली तो इसका सही आंसर डी होगा क्योंकि सारे ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन ये थर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्सवत इसमें कि कौन सी एक पोएम है जो कि विलियम वर्सवत के द्वारा लिखी गई है फर्स्ट है डेफोडील्स सेकेंड है ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैंस होमर थर्ड है द फॉर्थ सेकेंड मिसमैन फोर्थ है द लास्ट राइट टूगेदर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट डेफोडिल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी एट फ्रॉम विच पोएम फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमैन आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन वर्ल्ट विटमैन की किस पोएम से ये लाइन ली गई है ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलोइन स्टार ओ शेड्स ऑफ नाइट वो मोडी टीयरफुल नाइट सही आंसर इसका होता है सेकेंड अब याद रखेंगे इस पोएम का इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड है वेन लाइलेक लास्ट इन द डो डोर याड ब्लूम ये पोएम है जो कि एलिजी है अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखी गई थी उसी एक लाइन है लेकिन जो ओ कैप्टन माई कैप्टन ये भी एक एलिजी है इसको भी अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखा गया था इसमें जो फॉलन स्टार है ये सिम्बोलाइज करता है अब्राहम लिंकन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी नाइन विस प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद द लाइन कौन सा शेक्सपियर का प्ले है जो कि इस लाइन से ओपन होता है इफ़ म्यूजिक वि द फूड ऑफ लव प्ले ऑन फर्स्ट है दस्ट सेकेंड है ट्वेल्थ नाइट थर्ड है मैगबेथ फोर्थ है रोमियो एंड जूलियट करेक्ट आंसर इज सेकेंड ट्वेल्थ नाइट ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए आप जरूर याद रखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी इन विस पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर ये जो लाइन है कौन सी पोएम में यूज़ की गई हैं और वो लाइन है द फ्लैश अपन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द बिलिस ऑफ सोलिट्यूड ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे आँख के सामने चमकते थे जब मैं तनहा होता था वर्स्वत कह रहे हैं फर्स्ट है द एजुकेशन ऑफ नेचर सेकेंड है डेफोडिल्स थर्ड है द वर्ल्ड इज टू मच बी दस फोर्थ है करेक्ट आंसर इज सेकेंड है डेफोडिल्स की एक लाइन है जो कि विलियम वर्स्वत के द्वारा लिखा गया था पोएम नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी वन हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट इसमें का कौन सा एक है जो कि एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है फर्स्ट है चार्ल्स डिकन्स सेकंड है चार्ल्स रीड थर्ड है चार्ल्स किंसले फोर्थ है ठाकरे करेक्ट आंसर है फर्स्ट है ये चार्ल्स डिकन्स ये रिप्रेजेंटेटिव है विक्टोरियन नॉवलिस्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी टू अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज अ नॉवल अंडर द ग्रीनवुड ट्री एक नॉवल है किसके द्वारा लिखा गया था फर्स्ट है थॉमस हार्डी सेकंड है चार्ल्स डिकन्स थर्ड है ठाकरे फोर्थ है जॉर्ज इलियट करेक्ट आंसर इज फर्स्ट थॉमस हार्डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्टी थ्री हु आज़ द फादर ऑफ एसेस और एसेज इसके फादर कौन है एसेएस के फादर कौन है फर्स्ट है मॉन्टेग सेकेंड है रूसो थर्ड है यार्ट फोर्थ है डॉडन करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट मॉन्टेग याद रखेंगे जब एसेज के फादर की बात करेंगे तो मॉन्टेग है जब फादर ऑफ इंग्लिश याद रखेंगे इंग्लिश एसेज की जब बात करेंगे तो सर फ्रांसिस बेकर है और जब प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज की बात करेंगे तो चार्ल्स लैम है रिपीट कर रहा हूँ फादर ऑफ एसेज मोंटेग हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बेकन है और प्रिंस ऑफ एसेज चार्ल्स लैम है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी द एसे साउथ सी हाउस साउथ सी हाउस जो ऐसे है ये किसके द्वारा लिखा गया था फर्स्ट है बेकन सेकेंड है लैम थर्ड है स्टीवेंसन फोर्थ है एडिशन करेक्ट आंसर इज सेकेंड लैम के द्वारा लिखा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्टी फाइव हु यूज द एफ जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लेम ये जो लाइन है जेंटल हार्टेड चार्ल्स ये चार्ल्स लेम के लिए किसने यूज किया था तो फर्स्ट है वर्सव सेकेंड है कीड्स थर्ड है ब्राउनिंग फोर्थ है कॉलरिज करेक्ट आंसर इज फोर्थ कॉलरिज तो यहाँ तक के हमारे ये लिटरेचर के क्वेश्चन थे अब हम ग्रामर के पोर्शन को डिस्कस करेंगे फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है ही हेल्प मी इन माई लगेज उसने मेरे लगेज को हेल्प किया क्या करने में एक्सपेंड करने में कैरी करने में सप्लाई करने में क्रैक करने में तो उसने मेरे लगेज को कैरी करने में ले जाने में मदद की इसलिए बी सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्टी सेवन द टीचर आज द स्टूडेंट वेदर दे टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि दे क्या करेंगे वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं तो एक तो है मे सॉल्व कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं देखिए यहाँ पे पास टेंस दे रखा है तो मे नहीं होगा माइट होना चाहिए था ये नहीं हो सकता यहाँ पे वुड हैव सॉल्व कि उसने पूछा कि वो सॉल्व कर चुके होंगे सेंस नहीं क्रिएट करेगा नहीं होगा जैसा कि बताया कि पास्ट टेंस में तो विल नहीं होगा वुड होना चाहिए था तो यहां पे हैड वाला सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 एट आर यू श्योर दैट आर यहाँ चीज को ध्यान रखेंगे यहां पे आपको फिल करना है उसके बाद लेटर्स का प्रयोग किया गया काउंटेबल नाउन है वेरी मोर लेटर्स ये आ नहीं सकता है तो हट गया ये लिटिल लेटर्स की बात नहीं करते हैं ये भी हट गया मस का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए तो ये भी हट गया और एनी के बाद नाउन सिंगुलर भी आता है प्लूरल भी आता है तो एनी इसका सही आंसर है सी नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी नाइन हाउ डैश टाइम डू वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हमारे पास कितना समय है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम देखिए सिंगुलर है जब सिंगुलर है तो मेन ही नहीं आ सकता है हाउ लेस का कोई सेंस ही नहीं क्रिएट कर रहा है हाउ मोर टाइम हाउ मच टाइम अब याद रखेंगे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग करना सूटेबल है इस वजह से मच का प्रयोग किया जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड है ध्यान रखेंगे दोनों में अगला क्वेश्चन फिफ्टी नंबर का है हाउ डैश टाइम्स अब यहाँ देखिए टाइम्स का प्रयोग किया गया है प्लूरल फॉर्म में यानी कि यहाँ पे काउंटेबल के रूप में यूज़ किया गया है अब यदि देखें तो मच तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है ऑफन का कोई सेंस नहीं क्रिएट कर रहा है मैनी और फ्यू फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है इसलिए यह सही नहीं होगा मैनी हाउ मेनी टाइम्स हैव आई आस्ट यू मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस रिसोर्सेज अपने कीमती रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो तो सही आंसर क्या होगा बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी वन आई स्टिल रिमेंस आप देख सकते हैं रिमेंस का प्रयोग किया गया है और रिमेंस एक वर्ब है सिंगुलर फॉर्म है तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है अब क्वाइट क्वाइट एक एड वो होता है सब्जेक्ट नहीं बनेगा अब फ्यू स्टिल रिमेंस अब फ्यू जो होता है वो काउंटेबल सेंस में यूज़ किया जाता है यानी कि प्लूरल सेंस में यूज़ किया जाता जा है तो ये भी नहीं हो सकता है जब आ का प्रयोग किया गया तो लॉट होना चाहिए लॉट्स नहीं होना चाहिए और यहाँ पर सी सही आंसर है अ लॉड स्टिल रिमेंस तो यहाँ पर अ लॉट का अनकाउंटेबल सेंस में यूज़ किया गया इसलिए बिल्कुल सही है और यहाँ पर एस का प्रयोग किया गया रिमेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी टू फ्यू स्टूडेंट्स फ्यू स्टूडेंट्स की बात करते हैं बाद में ू का प्रयोग किया गया अब याद रखेंगे जब भी फ्यू की बात करेंगे और फ्यू के बाद में यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है जैसे हु या दैट तो उससे पहले हमेशा दैट आता है क्या जब भी फ्यू के बाद में हु या दैट का प्रयोग किया गया है तो उससे पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं ये इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी थ्री अ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग आपने सुना होगा कि थोड़ा नॉलेज खतरे के नीम हकीम खतरे में जान मुझे कहना चाहते हैं कि जो थोड़ी नॉलेज होती है वो डेंजरस होती थोड़ी नॉलेज अगर ना के बराबर की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं लिटिल लेकिन थोड़ी नॉलेज की बात करें तो आ लिटिल हो जाएगा तो आ लिटिल इसका सही आंसर है फ्यू क्यों नहीं होगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के लिए होता है मोस्ट जब भी हम यूज़ करते हैं इससे पहले द आता है और शॉर्ट का को कोई सेंस क्रिएट नहीं हो रहा है इसलिए बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फाइव ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग किया गया है और क्या करना होता है जब भी ऑफ से पहले आने वाला वर्ड सिंगुलर सेंस में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं स्टिल मिसिंग अब भी गायब है फ्यू का प्रयोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ्यू यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आर होना चाहिए मैनी यूज़ करेंगे तब भी आर होना चाहिए नन ऑफ माई बुक्स इज़ स्टिल मिसिंग स्टिल का प्रयोग किया जा रहा है इम्फेसाइज़ किया जा रहा है इसके मतलब कोई चीज़ है पॉजिटिव सेंस में बात की जा रही है तो नन होगा नहीं सही आंसर हो जाएगा वन वन ऑफ माई बुक्स इज़ स्टिल मिसिंग मेरी एक किताब अब भी मिसिंग है तो इसका सही आंसर सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी फाइव द लेफ्ट स्कूल उन्होंने स्कूल को छोड़ा था कब कब लगभग एक घंटे पहले आर का प्रयोग करते इसमें से एस साइलेंट होता है इसलिए आयन का प्रयोग किया जाता है तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 सिक्स ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज जब भी हम सरप्राइज़ की बात करेंगे शॉक की बात करेंगे फ्लेवर गास्टेड की बात करेंगे स्टेंट की बात करेंगे या स्टाउंड की बात करेंगे इन सब के माने आश्चर्यचकित हो जाना सरप्राइज हो जाना और सबके बाद में ऐड का प्रयोग करते हैं तो बी इज द राइट आंसर अगला है 57 है शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम हिज सक्सेस जब भी कॉन्ग्रेचुलेट की बात करते हैं उसके बाद यदि सक्सेस आ रहा है तो ऑन का प्रयोग किया जाता है यदि सक्सेस नहीं आ रहा है न्यू कार आ रहा है होम आ रहा है या कोई और चीज़ आ रही है तो फॉर का प्रयोग करते हैं यहाँ पे सक्सेस का प्रयोग किया गया इसलिए हम फर्स्ट को सही मानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिफ्टी एट वी वर इन्वाइटेड जब भी इन्वाइट का प्रयोग करते हैं तो जिस चीज़ पे इन्वाइट किया जाता है वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं सी सही आंसर होगा जैसे उसने मुझे चाय पे पेटेड इन्वाइट, इन्वाइट किया तो ही इन्वाइटेड मी टू टी डिनर पे इन्वाइट किया ही इन्वाइटेड मी टू डिनर तो जिस चीज़ पे इन्वाइट करते हैं वहाँ लगा देते हैं उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी नाइन वी शुड नॉट इंटरफियर इंटरफियर होता है इनटू समथिंग होता है किसी चीज में मुदाखलत करना हस्तक्षेप करना तो इंटरफियर इन अदर पीपल्स लाइफ दूसरों की जिंदगी में मुझे इंटरफियर नहीं करना चाहिए या हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी है द बिल्डिंग वॉज सून कवर्ड कवर्ड के बाद में विद का प्रयोग करते हैं तो जल्द ही वो फ्लेम्स यानी कि फ्लेम से वो कवर हो गई बी सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है सिक्सटी वन द कैट जम्प्ड द कैट जम्प जब भी कैट कोई चीज़ होती है नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट पे जंप करते हैं तो उसके लिए अपॉन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा द कैट जम्प अपॉन द टेबल नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी टू है वी शुड ऑलवेज बिलीव याद रखेंगे जब भी हम बिलीव की बात करते हैं या बिलीव की बात करते हैं इसके बाद हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है तो सही आंसर हो जाएगा डी बिलीव इन आवर सेल्फ हमें हमेशा अपने आप में विश्वास रखना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी थ्री ही थ्री द बॉल हाई उसने वो कहना चाहते उसने बॉल फेंका हाई हाई यानी कि ऊंचाई की बात करें तो क्या हो जाएगा हाई अप इन दर हो जाएगा तो सही आंसर होगा ए अप ऊपर फेंका आप माने ऊपर डाउन मिस नीचे तो सही आंसर क्या हो जाएगा अप नेक्स्ट है सिक्सटी फोर अनलेस ही जब भी हम अनलेस का प्रयोग करते हैं तो यदि अननेस के बाद वाला जैसे ये दूसरा सेंटेंस है यदि ये फ्यूचर में है तो उससे पहला प्रेजेंट टेंस में होता है ये इसका इंपॉर्टेंट रूल है दूसरा अननेस के बाद में कभी भी नॉट नहीं आता है तो जब ये, ये फ्यूचर टेंस में दे रखा है दूसरा तो यहाँ पर इसका प्रयोग हो नहीं सकता विल का प्रयोग हो नहीं सकता पास्ट का प्रयोग हो नहीं सकता तो सही आंसर बी हो गया सिंपल प्रेजेंट यही बन रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी फाइव लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव अब याद रखेंगे जब भी एक सेंटेंस में वुड हैव का प्रयोग किया जाता है तो दूसरे सेंटेंस में इफ़ के साइड हैड आएगा यदि इफ़ नहीं आ रहा है तो हैड पहले आ जाएगा पास परफेक्ट में होगा तो बी इज़ द राइट आंसर हैड द लेफ्ट अर्ली यदि वो लोग जल्दी निकले होते दे वुड हैव रीज बाय नाउ तो अब तक के पहुँच जाते नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स है मैनी ऑफ अस में के कई लोगों ने सिंस मॉर्निंग सिंस का प्रयोग किया गया जब भी सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं वो परफेक्ट टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूस अब यहां पर देखेंगे तो प्रेजेंट प्रोफिट कंटिन्यूस होना चाहिए तो बीन वेटेड होगा नहीं बीन वेट भी नहीं होगा बीन वेटिंग हो जाएगा बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन शी गो टू लाइब्रेरी एवरी डे ये कहना चाहते हैं वो लाइब्रेरी जाती है गो वो का फर्स्ट फॉर्म है डू नहीं आ सकता है शी सिंगुलर है तो डू नहीं आएगा हैज नहीं आ सकता है क्योंकि यहां पे वो आपका फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है इज नहीं आ सकता है क्योंकि इसके बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है जैसे राम इज गो तो इसके बाद में गो नहीं आ सकता तो सही आंसर ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है इफ़ इट रेंस अभी आपको बताया कि इफ़ के बाद में यदि सिंपल प्रेजेंट होता है तो दू, दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा विल का प्रयोग किया गया है विल के बाद में वर्क का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अब यहाँ पर देखें बींग का कोई सेंस नहीं क्रिएट कर रहा है श्योरली होगा नहीं और विल के बाद मस्ट आ नहीं सकता विल के बाद जब हम बी का प्रयोग कर देते हैं तो ये पैसे बन जाता है इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी नाइन ही डेली इन ये कहना चाहते हैं उसने 2010 में डेली छोड़ दिया 2010 एक ऐसी घटना है जो पास्ट में हुई थी जब हम पास्ट की घटना की बात करते हैं तो उसको सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे आपको कहना है कि मैं अपने दोस्त से कल मिला तो आप क्या कहेंगे आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे अगर आप कहेंगे आई हैव मेट माई फ्रेंड यस्टरडे तो रॉन्ग हो जाएगा अब इसको सिंपल पास्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे हैज़ लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा हैड पास्ट परफेक्ट हो जाएगा वॉज पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा ये सेकेंड फॉर्म है यही बनेगा सही आंसर सिंपल पास्ट होना चाहिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ही आ लाइन अक्रॉस द पेज तो आप देखेंगे ही का प्रयोग किया गया है ड्रॉइिंग नहीं आ सकता है क्योंकि उससे पहले इज एम आर होना चाहिए ड्रॉन वर्क का थर्ड फॉर्म है उससे पहले हैज जेब हैड होना चाहिए ड्रॉड इसका कोई फॉर्म ही नहीं होता है तो गलत हो गया ड्रि ऑप का सेकेंड फॉर्म है और ही के बाद में सेकेंड फॉर्म यूज़ कर देंगे सिंपल पास्ट हो जाएगा और यही इसका सही आंसर है तो रहे हमारे आज के क्वेश्चन हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर हैव अ गुड टाइम